हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्चुअली हिप शॉट कैसे परफॉर्म करता है। उसके लिए इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ एक सॉल्व एग्जांपल के साथ। तो जैसे ही हमें हिप शॉट स्टार्ट करना है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हिप क्या होता है। तो हिप जो है हमारा, वो जो सेट ऑफ वैल्यूज होता है वो हम एरे के साथ और एरे में स्टोर करने वाले हैं। इसका मतलब हम एरे डेटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं। यहाँ पे ये जो सॉर्टिंग टेक्निक है वो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक होता है, जिसके लिए हम बाइनरी हिप डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो ये जो बाइनरी हिप डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, उसके लिए आप मेरा इस वीडियो सीरीज का लास्ट वाला वीडियो सेशन देख सकते हो, प्रीवियस वाला, जिसपे मैंने हिप डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, हिप ट्री एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मुझे और एक बात बताने के लिए अच्छा लग रहा है कि ये जो हिप सॉर्ट है वो सिलेक्शन सॉर्ट के जैसा ही है, सिमिलर टू सिलेक्शन सॉर्ट। अगर अभी हमें हिप डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमें अरे एंड ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है, उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको अरेज के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ पे अरेज का शॉर्टकट लिंक आपको दे रही हूँ। उसके बाद अगर ट्रीज, टाइप्स ऑफ ट्रीज, मेनली जो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका एक स्पेशल काइंड कंप्लीट बाइनरी ट्री जो होता है उसको ही हम हिप बोलते हैं, उसके लिए भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे उसका शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें आपको मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, आगे बढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हिप डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एरेज क्या होता है, ट्रीज क्या होता है, ट्रीज में से स्पेसिफिकली कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, और जो स्पेशल काइंड ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री है जो जिसे हम हिप बोलते हैं वो क्या होता है। ये अगर सारी चीजें आपको पता है तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने जो अभी बोला कि हिप ट्री हमें यूज करना है तो उसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है मैक्स हिप ट्री, दूसरा ट्री होता है मिन हिप ट्री। ये जो दोनों ट्रीज के एग्जांपल है वो बेसिकली कंप्लीट बाइनरी ट्रीज है, और जो दोनों टाइप्स है वो डिपेंड करते हैं उसके पैरेंट नोड की टाइप पे। अगर पैरेंट नोड उसके चाइल्ड नोड से ग्रेटर है, मैक्सिमम है, ये देखो उसके चाइल्ड नोड 10 एंड 9, इससे ये मैक्सिमम है, तो हम इस टाइप के कंप्लीट बाइनरी ट्री को हम मैक्स हिप ट्री बोलते हैं। अगर हम 10 एज अ पेरेंट नोड देख रहे हैं तो उसके चिल्ड्रन नोड से वो ग्रेटर है, 9 देख रहे हैं तो उसका भी सेम कंडीशन है, और वाइस वर्सा अगर पेरेंट नोड उसके चिल्ड्रन नोड से छोटा है, मिनिमम है, लेसर है, स्मॉलेस्ट है, तो उसे हम मीन हिप करके बुलाएंगे, पर वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। अगर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है और ये वाली कंडीशन जो कि पेरेंट नोड की वैल्यू उसके चाइल्ड नोड से छोटी होनी चाहिए, ये अगर कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मीन हिप ट्री। तो ये दोनों चीजें भी आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि आइदर मैक्स हिप यूज करके और मीन हिप यूज करके आपको सॉर्टिंग करनी है। तो मैं इस वीडियो में आपको मैक्स हिप ट्री यूज करके सॉर्टिंग टेक्निक बताने वाली हूं। यहां पे मैंने जो स्टेप्स दिए हुए हैं, जो कि हम अभी सॉर्टिंग करने वाले हैं हिप सॉर्ट, उसके ये सारे स्टेप्स यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारा जो है, जो हम वैल्यूज हमें सॉर्ट करने हैं वो मैक्स हिप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाले मैक्स हिप ट्री में कन्वर्ट करने हैं। तो वो कैसे कन्वर्ट करने हैं ये मैंने ऑलरेडी इस सीरीज में बताया हुआ है। तो मान लो कि अभी आपके पास मैक्स हिप ट्री अवेलेबल है,
मैक्स हिप ट्री आपके पास अगर अवेलेबल है तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है आपका जो रूट नोड है जो सबसे बड़ा है वो हमें लास्ट के पोजीशन पे रिप्लेस करना है। तो वो लास्ट वाले आइटम के साथ रिप्लेस करने के बाद वो जो लास्ट वाला आइटम है वो हमें रूट पे पुट डाउन करना है। तो ये हो गया स्वैपिंग रूट नोड का और लास्ट आइटम लास्ट नोड का, ये वाला ये दोनों नोड्स हमें स्वैप करने हैं। अभी स्वैप करने के बाद जो हमारा हिप का साइज है वो हमें रिड्यूस करना है एक से, रिड्यूस द साइज ऑफ हिप बाय वन, वो हमें एक से रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के बाद हमें चेक करना है कि जो ट्री रिड्यूस होने के बाद हमारा बन रहा है क्योंकि हमने रूट नोड अभी स्वैप किया है तो वो मैक्स हिप का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर वो मैक्स हिप का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हमें हिपीफाई फंक्शन अप्लाई करके फिर से हमें मैक्स हिप ट्री जनरेट करना है जिससे कि हमारा रूट नोड फिर से हाईएस्ट हो जाएगा। वो होने के बाद फिर से हम स्टेप वन को जाएंगे जिसके साथ हमारे पास है मैक्स हिप का ट्री, फिर से हम रूट नोड और लास्ट पोजीशन वाला नोड स्वैप करेंगे। स्वैप करने के बाद हम साइज को रिड्यूस कर देंगे और अगर वो मैक्स हिप नहीं है तो हम हिपीफाई करके उसको फिर से मैक्स हिप बना देंगे। सो ये सारी स्टेप्स हमें एक बाय एक रिपीट करनी है जिससे हमें सॉर्टिंग डेटा हम कर पा रहे हैं। अभी हम एग्जांपल को देखते हैं। ये मेरा हो गया मैक्स हिप का ट्री। उसके बाद ये मैक्स हिप का ट्री अगर मुझे एरे में रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करना है ये भी मैंने लास्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रूट नोड जो है वो जीरो पोजीशन पे है, नेक्स्ट वाली लेवल जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे है, उसकी नेक्स्ट वाली लेवल थर्ड एंड ऑनवर्ड्स पोजीशन पे है। सो यहाँ पे मेरा मैक्स हिप है जो कि ट्री मेरा मैक्स हिप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाला जो मेरा नोड है वो हम लास्ट नोड के साथ रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये रिप्लेस होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया है, वही सेम थिंग यहाँ पे मैंने एरे में भी उसको रिप्लेस कर लिया है। उसके बाद मैं ये नोड यहाँ से रिमूव करने वाली हूँ, डिटैच करने वाली हूँ। इसका मतलब मेरा एक नोड सॉर्ट होके उसके प्रॉपर पोजिशन पे फिट हो गया है। अभी आगे हमें क्या करना है, तो ये तो नोड अभी डिलीट हो गया। अभी आपको यहाँ पे देखना है, चेक करना है कि जो ट्री हमारा जनरेट हुआ है वो मैक्स हिप का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अभी आप देख सकते हो 9 हमारा रूट नोड है और उसके चिल्ड्रन नोड है 6 और 10। जहां तक की सवाल है रूट नोड का सबसे ग्रेटर होने का, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि उसका चाइल्ड नोड जो है 10 वो उससे बड़ा है। तो हमें क्या करना है, उसके दोनों चिल्ड्रन नोड में से जो सबसे बड़ा है उसे हम सिलेक्ट करेंगे और उसको हम रूट के साथ रिप्लेस कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो ये दोनों हो गए स्वैप। अभी आप पूरा ट्री देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरा ट्री हमारा मैक्स हिप का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ये जब मैं स्वैप कर रही हूँ तो यहाँ पे भी मैं ये दोनों चीजें स्वैप कर रही हूँ, जबकि 9 हमारा 0 पे था वो स्वैप करने के बाद 2 पे आ गया और 10 हमारा जो 2 पे था वो 0 पे आ गया। तो ये हमारा मैक्स हिप ट्री रेडी है नेक्स्ट वाले नंबर को रिड्यूस करने के लिए और सॉर्ट करने के लिए है। तो अगले वाले स्टेप में आप देख सकते हो रूट नोड सबसे लास्ट वाले एलिमेंट के साथ हमें स्वैप करना है। वो स्वैप करने के बाद आप देख सकते हो रेस्ट ऑफ द लिस्ट का लास्ट वाला एलिमेंट। अभी हम 12 नोड 12 जो कि 5th पोजीशन पे है वो कंसीडर नहीं करेंगे, रेस्ट ऑफ द लिस्ट हम कंसीडर करेंगे जिसपे हम 10 और 1 दोनों स्वैप करने के बाद हमारा एरे कुछ इस प्रकार लगेगा। और उसके बाद हमारा ये जो लास्ट नोड है वो हम डिटैच कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। जहां तक कि सॉर्टेड लिस्ट का सवाल है, ये सॉर्टेड लिस्ट अपडेट हो रही है फ्रॉम लास्ट पोजीशन और करंटली मेरे सॉर्टेड लिस्ट में ये दोनों नंबर उसकी पोजीशन पे फिट हो गए हैं। अभी उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद ये रिड्यूस होने के बाद
साइज एक से कम होने के बाद हमें फिर से चेक करना है कि हमारा ये जो ट्री बन रहा है वो मैक्स हिप ट्री है या नहीं। ये ट्री मैक्स हिप ट्री नहीं है क्योंकि जो रूट नोड है वो उसके चिल्ड्रन नोड से छोटा है। तो ये चिल्ड्रन नोड में से जो सबसे बड़ा है वो हम रिप्लेस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने वो ये दोनों नोड यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर लिए और ये हो गया मेरा मैक्स हिप ट्री। और उसके बाद हमें क्या करना है, तो पैरेंट नोड और लास्ट वाला नोड, रिमेनिंग लिस्ट में से लास्ट वाला नोड जो कि 5 है, वो हम दोनों स्वैप कर लेंगे। तो मुझे मेरे अगली वाली स्लाइड में वो दोनों स्वैप करके मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं। ये दोनों 5 और 9 मैंने स्वैप कर लिए और मैंने 9 यहाँ से डिटैच कर लिया, रिमूव कर लिया। उसके बाद रिमूव करने के बाद फिर से हमें चेक करना है कि मैक्स हिप का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हमें चूज करना है मैक्सिमम नंबर फ्रॉम इट्स चिल्ड्रन नोड्स, वो मैंने यहाँ पे स्वैप कर लिया, यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर लिए। और उसके बाद यहाँ पे जो मेरा रूट नोड है वो मेरे लास्ट एलिमेंट के साथ मैंने चेंज कर लिया, ये मेरा नेक्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है उसको हमें रिमूव करना है, तो वो भी हमने रिमूव कर लिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 4 एलिमेंट हो गए हैं जो कि मेरे सॉर्टेड एलिमेंट है यहाँ पे, और जो सिर्फ दोनों एलिमेंट यहाँ पे बचे हुए हैं उस पर हमें फिर से हिपिफाई अप्लाई करना है क्योंकि ये वाले दोनों नोड्स और ये वाला ट्री मैक्स हिप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मैंने 1 और 5 स्वैप कर लिया, 5 जो मैक्सिमम है वो रूट नोड हो गया, वो बड़ा है उसके चाइल्ड नोड से। साइमल्टेनियसली मैंने यहाँ पे भी वो सारे चेंजेस ऑक्यूपाई कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये जो रूट नोड है, बड़ा वाला नोड है, वो लास्ट वाले नोड के साथ स्वैप करके हमें वो डिटैच करना है, रिमूव करना है। वो करने के बाद अभी हमारे सॉर्टेड लिस्ट में 5 एलिमेंट्स हो गए हैं। अभी एट द एंड मेरी लिस्ट, मेरी ट्री में सिंगल एलिमेंट है जो कि वो रूट नोड है, उसको स्वैप करने के लिए कोई भी नोड, चाइल्ड नोड अवेलेबल नहीं है और सिंगल नोड का कंपैरिजन भी नहीं होता है, इसलिए हम उसे सॉर्टेड लिस्ट में इंक्लूड कर लेंगे। और ये जो सॉर्टेड लिस्ट हमारा अभी रेडी हो गया है, ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर्ड सॉर्टेड लिस्ट। तो मुझे यहाँ पे बताने के लिए खुशी हो रही है कि हमारा लिस्ट जो है, हमारा जो डेटा सेट था, हिप था, वो सॉर्ट करके यहाँ पे रेडी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मानती हूँ कि मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप कमेंट देना ना भूलिए। मेरे वीडियोज के कंटेंट अगर आपको पसंद है, मेरे वीडियो का आपको पसंद है, तो उसको लाइक करना ना भूलिए। मेरे चैनल टिकटॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल रिंगिंग रखिए क्योंकि रिंगिंग बेल आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन देता रहेगा। यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे मैं मेरे इस सीरीज का अगला वाला वीडियो यहाँ पे उसका शॉर्टकट लिंक मैं दे रही हूँ, सो प्लीज अगले वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को ट्यून बने रहिए। थैंक यू।